कंसिडर ही नहीं करते, तो हम कंसेंट को कंसिडर करते हैं, जहां पर एक पार्टी जब दूसरे को शादी के लिए पूछती है तो अगर दूसरा अपने एक्सेप्टेंस देगा ओनली देन ही शादी वो कंप्लीट होगी। पर इस चीज पे कंट्रोवर्सी थी कि हम मुस्लिम लॉ के जो निकाह है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे या सैक्रामेंट कहेंगे, कि क्या ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट ही है या फिर सिर्फ या फिर इसे सैक्रामेंट भी कहेंगे, तो इसकी कंट्रोवर्सी रही है। तो इसका हमेशा से एक आंसर ये रहा है कि ये कॉम्बिनेशन है दोनों चीजों का, इसमें कॉन्ट्रैक्ट भी है पर ये सैक्रामेंट भी है, क्योंकि ये एक सैक्रेड परफॉर्म कर रहे हैं हम सेरेमनी को शादी की, तो इसे हम सैक्रामेंट भी करें कहेंगे। अदरवाइज इसमें कॉन्ट्रैक्ट की सारी कंडीशंस है, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है, तो इसे हम कॉन्ट्रैक्ट भी कहेंगे। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, अ कॉन्ट्रैक्ट एंड अ सैक्रामेंट। अब इसकी बेसिक कंडीशंस क्या है, इसमें पहली चीज इसमें ये आती है कि एक जब पार्टी पूछेगी मतलब जब ऑफर हुआ है और एक्सेप्टेंस हुई है वो एक ही मीटिंग पे होनी चाहिए। पहली कंडीशन है कि जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो रही है वो एक ही मीटिंग में होनी चाहिए, ये नहीं कि आज इंसान ने कह दिया और 2 दिन बाद जवाब आ रहा है, ऐसा नहीं होगा, ये एक ही मीटिंग में होगा, ओनली देन इट विल बी कंसिडर्ड अ मैरिज। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज इसमें कंसेंट दोनों का इन्वॉल्व है, दोनों पार्टीज का कंसेंट इसमें इन्वॉल्व है, ओनली देन द मैरिज विल बी सॉलेमनाइज। थर्ड, देयर इज अ कंसिडरेशन जिसे मेहर कहते हैं, जो कि शादी में लड़की को दी जाती है बाय द ग्रूम। इसे कंसिडरेशन भी कहा जाता है, फिर इसको और भी चीजें बहुत सारी बताई गई हैं कि ये क्यों दी जाती है। इसका जब हम मेहर का चैप्टर डिस्कस करेंगे उस टाइम पे डिस्कस करेंगे, पर इसमें इसे मेहर भी दी जाती है, इसे हम डावर भी कहते हैं। सो इसे बेसिकली ये भी कहा जा सकता है, लिख लेना इसे, द मैरिज अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ, द मैरिज अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पस ऑफ, फॉर द पर्पस ऑफ लीगलाइजिंग, लीगलाइजिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड द प्रोक्रिएशन ऑफ, एंड द प्रोक्रिएशन ऑफ लेजिटिमेटिंग, लेजिटिमेटिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड द प्रोक्रिएशन ऑफ, लेजिटिमेटिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड द रेगुलेशन ऑफ, एंड द रेगुलेशन ऑफ सोशल लाइफ इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। इसके नीचे एक और लिख लेना कि हाउएवर इट इज व्यूड, However, it is viewed that even though it contains all the essentials of contract, all the essentials of a contract, all the essentials of
कॉन्ट्रैक्ट स्टिल इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सैक्रामेंट टू स्टिल इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सैक्रामेंट टू मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड अ सैक्रामेंट. This was held in the case of Anis Begum versus Mohammad Istafa. Anis Begum versus Mohammad Istafa. उसमें लास्ट चीज हेल्ड हुई कि ये कॉम्बिनेशन है दोनों का. इसमें सिविल कॉन्ट्रैक्ट के भी फीचर्स हैं पर इसमें इसे हम सैक्रामेंट भी कहेंगे. इसे इसलिए सैक्रामेंट इसलिए भी कहा गया है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल्स नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है पर शादी तो अनलिमिटेड टाइम है ना. ये तो इन्फिनिटी के लिए है, इन्फिनिट पीरियड टाइम के लिए. तो इसीलिए हम इसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते कंप्लीटली. इसमें एक और चीज लिख लो इसके बाद एज ऑफ मैरिज फॉर द पार्टीज. इसमें जो एज है वो सुन्नीज में अलग है और शियाज में अलग है. सुन्नीज में 15 years है सबके लिए फॉर अ बॉय एंड अ गर्ल पर शियाज में जो शादी की एज है इट इज 9 फॉर द गर्ल्स एंड 12 फॉर द बॉयज. 9 फॉर द गर्ल्स एंड 12 फॉर द बॉयज. और शादी का कंसेंट गार्डियंस भी दे सकते हैं क्योंकि प्यूबर्टी से पहले है तो कंसेंट किसी का तो लेना ही है. अब बच्चे छोटे हैं, मिनोरिटी में शादी हो रही है तो अगर तो मेजर होते 10 तो खुद ही पार्टीज कंसेंट देंगे. पर अगर बच्चों की शादी हो रही है तो उनके गार्डियंस कंसेंट देते हैं जिसमें आता है पहला कंसेंट होता है फादर का, देन पेटर्नल ग्रैंडफादर, और उसके बाद अदर रिलेटिव जैसे कि फादर का ब्रदर. अगर उधर से भी कोई नहीं है फिर जाके मैटरनल साइड की टर्न आती है कि मदर या मदर के रिलेटिव्स. दिस इज फॉर सुन्नीज. शियाज में सिर्फ फादर और पेटर्नल ग्रैंडफादर तक ही है. शियाज में सिर्फ कंसेंट फादर या फिर ग्रैंडफादर दे सकता है पर सुन्नीज में ऐसे लिस्ट लंबी है मतलब फादर देन ग्रैंडफादर अगर वो नहीं है तो ब्रदर. अगर इन सब रिलेटिव्स में से कोई भी नहीं है देन मदर की साइड के रिलेटिव शुरू हो जाते हैं. ये हो गया क्लियर? इसमें कोई डाउट तो नहीं ना? सब कुछ लिख लिया? हाँ मैम लिख लिया सारा. अब इसके बाद आता है डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज. अब डिसॉल्यूशन के बहुत सारे ग्राउंड्स है हमारे पास जिससे मैरिज को डिसॉल्व कर सकते हैं और उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें दी गई हैं. डिसॉल्यूशन के तो पहले हमारे पास बहुत सारे ग्राउंड्स हैं ही ऑलरेडी कि एक तो ग्राउंड था ट्रिपल तलाक जिसे तो हमने खत्म ही कर दिया जो तो है ही नहीं ग्राउंड. पहले तो वो भी एक ग्राउंड था जिससे कि 3 बार बोल के तलाक 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 और डिसॉल्व हो जाती शादी. पर अब तो वो चीज खत्म ही हो गई है.
सो डिवोर्स का वो कंसेप्ट तो है नहीं, बाकी और हमारे पास बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, जिसमें पहला आता है तलाकुल सुन्नत। टाइप है ग्राउंड है। अच्छा टाइप्स 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 ग्राउंड्स हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट में दिया हुआ है, उसमें ग्राउंड्स दिए हुए हैं, ओके। ये टाइप्स हैं। तलाकुल सुन्नत, इसमें दो तरह के तलाक आते हैं, एक हसन और एक ए हसन। सो तलाक ए हसन, तलाक ए हसन। तो तलाक ए हसन में क्या होता है कि इससे तलाक जो है ना उसे 3 बार प्रोनाउंस करना होता है, 3 different to her में। हसन में क्या होता है, 3 pronouncements at 3 different to her, 3 different मतलब 3 महीने लगातार चलता रहेगा। पहले 1 महीने बोला, फिर दूसरे महीने बोला, फिर तीसरे महीने बोला, जैसे ही थर्ड प्रोनाउंसमेंट हो जाएगी इरेवोकेबल हो जाएगा, तलाक कंप्लीट हो जाएगा, अब पीछे नहीं हट सकते, तीसरे ही बोल के ओके। ही तलाक कंप्लीट हो जाएगा। और जो दूसरा है ए हसन, उसमें एक ही बार में तीनों प्रोनाउंसमेंट, मतलब एक ही बार प्रोनाउंस करना है, पर 3 महीने वेट करना है उसमें, सिंगल प्रोनाउंसमेंट पर 3 तुहर 3 महीने वेट करना है। जैसे ही थर्ड महीना खत्म होगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा, जैसे तीसरा महीना कंप्लीट हुआ डिवोर्स कंप्लीट हो जाएगा, अब ये इरिवोकेबल बन गया, अब इससे पीछे नहीं हट सकते। वेट क्यों करना, कंप्लीट होने के लिए। हाँ 3 महीने, मतलब 3 महीने के अंदर तुम वापस ले सकते हो ना, एक मतलब एक ही बार बोलना है कि आज बोल दिया उसने कि मैं तुमसे तलाक लेता हूँ, तलाकुल ए हसन की तरह तरीके से। सो अब 3 महीने वेट करेंगे, 3 महीने का वेट इसलिए दिया जाता है कि तुम इतने में रिवोक कर सकते हो कि नहीं, अगर तुम्हें सब मैटर सॉल्व हो गया, सॉर्ट आउट हो गया, तो तुम वो वापस कैसे कर सकते रिवोक, हैं? बस वो वापस से मतलब अगर इकट्ठे रहना शुरू कर दें तो ऑटोमेटिक रिवोकेशन हो जाती है। ठीक है, ये हो गया तलाकुल हसन और हसन। तलाकुल बिद्दत जो था उसे ट्रिपल तलाक कहते थे, ये तो खत्म ही हो गया, तलाकुल बिद्दत दिस वाज ट्रिपल तलाक, जो एक ही बार में तलाक तलाक तलाक, इसे तो अब इन्होंने खत्म ही कर दिया है, बाय शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस को हमने अंक इस फॉर्म को डावोस के अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है बाय द केस ऑफ शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ट्रिपल तलाक तो बैन कर दिया, दिस इन 2017। मैम बैन कर दिया है, मतलब क्या कर दिया? हाँ जी वैलिड नहीं है बैन, मतलब नहीं, हाँ मतलब वॉइड वैलिड, खत्म है। कर दिया, मतलब इंडिया में तो बिल्कुल इसे खत्म कर दिया। अच्छा, अब अगर इसे करते हैं तो उसे पनिश भी किया जा सकता है, पर प्रोवाइडेड वाइफ जाके कंप्लेंट करे तो। अब वाइफ कितने कंप्लेंट नहीं करती अमाउंट है, है, हाँ जी पनिशमेंट कितनी है? 3 साल, प्रोवाइडेड वाइफ जाके कंप्लेंट करे, पर वही सिचुएशन आ जाती है फिर, कोई जाके कंप्लेन नहीं करता, तो बस वैसे ही वैसे बढ़िया चीजें। ठीक है मैम। ठीक है, अनदर इज इल्ला, दिस इज अ वो ऑफ कंटिनेंस। कि अगर इंसान वो ले ले कि मैं तुम्हारे साथ अब इकट्ठा नहीं रहना चाहता हूँ, सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करे इस प्रण को लेने के बाद, दिस इज अ डिवोर्स। पर इसके लिए यू हैव टू वेट फॉर 4 months। अगर इस बात को करने के बाद, मतलब उसने जब वो ली कि मैं तुम्हारे साथ अब रहना नहीं चाहता हूँ, और उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ, 4 महीने और ज्यादा टाइम निकल गया,
तो ये डिवोर्स कंप्लीट हो जाएगा, देन इट इज नॉट रिवोकेबल. पर अगर ये कहने के बाद वो फिर से इकट्ठे रहने लग जाते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हो जाता है, तब ये डिवोर्स डिवोर्स नहीं है. पर अगर ये कहने के बाद 4 महीने से ज्यादा टाइम निकल गया तो ये डिवोर्स कंप्लीट हो जाएगा, इट इज इरिवोकेबल. मैम, ये सारे राइट्स मेन के पास ही है ना, वुमेन के बिल्कुल पास? नहीं है. वुमेन के पास दो है, मतलब एक तो आधा ही है, एक है कंप्लीट. तो बेसिकली आएगा वुमेन वाला भी. इसके बाद आता है जिहार. दिस इज अनलॉफुल कंपैरिजन. कि अगर अपनी वाइफ को वो अपनी माँ या अपनी बहन, मतलब ऐसे कोई रिलेटिव के साथ कंपेयर कर ले जिनके साथ ही कैन नॉट मैरी, मतलब अपनी मदर के साथ शादी नहीं कर सकता, अपनी बहन के साथ शादी नहीं कर सकता, और इनके साथ उसको कंपेयर कर दे, सो दिस इज ऑल्सो अ डिवोर्स. दिस इज अ फॉर्म ऑफ डिवोर्स. मैम, कंपैरिजन इन द सेंस किस ग्राउंड पे कंपैरिजन? किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से उसे कह दे या कुछ, तो वो एक तरह से डिवोर्स बन जाता है. कह दे कि मतलब तू मेरी माँ जैसी हो या तू मेरी बहन जैसी हो, मतलब किसी भी तरह की वो कंपैरिजन कर देना अगर अपनी बीवी और अपनी मदर के साथ या अपने सिस्टर के साथ, देन इट बिकम्स अ डिवोर्स. तब वो अपनी बीवी के साथ मतलब वैसे नहीं रह सकता जैसे वो अपनी बीवी के साथ रहता था. सो दे कैन नॉट हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स और एनीथिंग. उसके लिए अब इस चीज को रिवोक करने के लिए उसे एक दो चीजें करनी पड़ेंगी. अगर वो चीजों को परफॉर्म कर देता है ओनली देन इसे रिवोक करवा सकता है, अदरवाइज वो इसे रिवोक नहीं कर सकता. तो उसे रिवोक करने के लिए उसके पास ऑप्शन ये है कि या तो वो गरीबों में, मतलब ही हैज टू गिव सम मनी और गिफ्ट्स टू दी वाइफ, ही हैज टू फास्ट फॉर 2 मंथ्स. तो उसको रिवोक करने के लिए या तो अपनी वाइफ को गिफ्ट्स दे, फ्री कर दे कोई स्लेव, एक स्लेव को फ्री कर दे, फास्ट करे फॉर 2 मंथ्स, फीड करे 60 पुअर. अगर इनमें से कुछ भी कर देता है ओनली देन दिस इज रिवोकेबल और वापस से वो इकट्ठे रह सकते हैं, अदरवाइज इट इज अ डिवोर्स. ओके ठीक है. मैम, एक कंपैरिजन के बाद इसमें वेट वेट नहीं करना नहीं जैसे नहीं इसमें वेट नहीं करना, टू इसमें बस ये ऑप्शन है इसके पास. अगर तो ये परफॉर्म कर देता तो ठीक है, नहीं तो बस तो डिवोर्स ही है. देन आता है खुला. इसमें वाइफ आस्क फॉर दी फ्रीडम, ये वाइफ मांगती है. दिस इज एट द रिक्वेस्ट ऑफ द वाइफ. इसमें वाइफ के पास ऑप्शन होता है कि वाइफ मांगती है डिवोर्स अपने पति से. इसमें वो ये कहती है कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो, इसके बदले में तुम्हें पैसे दे दूंगी. तो अगर इंसान मान जाता उसका हस्बैंड तो वो डिवोर्स है, बस उसके बदले उसे पैसे देने पड़ेंगे. सो इन दिस वाइफ रिक्वेस्ट फॉर डिवोर्स इन द लियू ऑफ मनी, कि वो हस्बैंड को पैसे दे दे कि उसके बदले वो उसे डिवोर्स दे दे. ये वाइफ के पास राइट, जिसमें उसे कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा. ओके ठीक है. देन मुबारक, दिस इज अ म्यूचुअल डिवोर्स. जैसे म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेते हैं हिंदू लॉ में, उसी तरीके से है ये. अगर दोनों पार्टी इकट्ठी जाके कहें कि हमें डिवोर्स लेना है तो दिस इज कॉल्ड मुबारक. लास्ट इज लियान. दिस इज अ फॉल्स चार्ज ऑफ एडल्ट्री. अगर हस्बैंड अपनी वाइफ पे झूठा चार्ज लगाते कि ये तो एडल्ट्री करती है, कर रही है इसने, तो दिस अमाउंट्स टू डिवोर्स.
ठीक है, ये सारी फॉर्म्स है डिवोर्स की, ये हमें शरीयत एक्ट में दी हुई है, उसमें सिर्फ ऐसे नाम दिए हुए हैं सारे के सारे, शरीयत एक्ट ऑफ 1937, उसमें सारे नाम लिखे हुए हैं सेक्शन 2 में। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है, जो कि हमें अब ग्राउंड्स बताती है डिवोर्स के क्या क्या मिल सकते हैं। ये तो वो चीजें थी जो कि मुस्लिम लॉ बताता है कि हमारे पास ये टाइप्स हैं डिवोर्स की। पर अब अगर सपोज तुम कोर्ट में जाते हो डिवोर्स लेने के लिए, तो उसके कुछ ग्राउंड्स होते हैं, जैसे कि हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में थे कि जैसे कि हस्बैंड उसे क्रुएलिटी करता है, अडल्ट्री करता है, डिजर्शन है, उसी तरीके से ग्राउंड है मुस्लिम लॉ में, दिस इज अंडर डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। Of 1939, मैम ये हिंदू लॉ से पहले आ गए सारे? हाँ क्यों, वो तो 1955 का है। हाँ हाँ ये पहले आ गए थे। मैं डॉक्यूमेंट्स शेयर भी कर दूंगी, ठीक है। ओके मैम। हाँ, इसमें ये ग्राउंड्स हैं डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के। फर्स्ट इज वेयर अबाउट्स ऑफ द हस्बैंड हैव नॉट नोन फॉर 4 ईयर्स, उसमें था ना कि 7 साल तक पता ही नहीं पति कहाँ है भी कि नहीं, इसमें है 4 साल। अगर 4 साल तक पता ही नहीं है कि वो है नहीं है, जिंदा है या नहीं है, तो इस चीज पे वो डिवोर्स ले सकती है। द हस्बैंड हैज नेग्लेक्टेड हर और हैज फेल्ड टू प्रोवाइड फॉर हर मेंटेनेंस फॉर 2 ईयर्स, 2 साल तक उसे मेंटेन नहीं करता। ये सारे ग्राउंड्स वाइफ को अवेलेबल हैं, क्योंकि हस्बैंड के पास तो ये सारे फॉर्म्स ऑलरेडी है मुस्लिम लॉ में, तो ये एक्ट ने बहुत सारे ग्राउंड्स प्रोवाइड कर दिए वाइफ को कि वो डिवोर्स ले सकती है। पहला, अगर पता ही नहीं 4 सालों से पति है कि नहीं है, 2 साल से उसे मेंटेन नहीं कर रहा है, हस्बैंड हैज टेकन एडिशनल वाइफ इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस एक्ट, बट द वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस इन द फॉलोइंग सिचुएशंस एंड इट इज अ रीजन दैट शी कैन नॉट प्रेजेंट अ लिटिगेशन फॉर और अगेंस्ट हर हस्बैंड ऑन द ग्राउंड फॉलोइंग सिचुएशन एंड शी कैन नॉट प्रेजेंट अ लिटिगेशन ऑफ डिवोर्स अगेंस्ट हर हस्बैंड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। बेसिकली अगर उसने एक और वाइफ रख ली है इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द फैमिली ऑर्डिनेंस एक्ट, जो मुस्लिम लॉ की एक्ट है, पर इस चीज पे वो तभी डिवोर्स ले सकती है अगर उसने दूसरी वाइफ रखी है, पर वो तब नहीं ले सकती जब शी लिव सेपरेटली विदाउट अ कॉज एंड शी इज अनचेस्ट। अगर वो इन दो सिचुएशन पे फॉल करती है तब वो डिवोर्स नहीं ले सकती। अदरवाइज अगर कोई और वाइफ वो ले आता है अगेंस्ट टू दी मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस एक्ट, ओनली देन वो डिवोर्स के लिए फाइल कर सकती है। पर अगर वो खुद से ही अलग रह रही है मैम, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस, फैमिली ऑर्डिनेंस, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961, अगर उसकी कॉन्ट्रावेंशन में वो ले आए। वैसे आजकल क्या होता है, निकाह के टाइम पे ना ये कर भी लेती थी वाइफ, मतलब जो वेमेन है वो आजकल ये भी करने लगी हैं कि वो पहली कंडीशन लगा लेती है निकाह नामा जब लिखा जाता है कि तुम दूसरी शादी नहीं करोगे, सो दैट कि ऐसे चांसेस ना हो। पर मैम मुस्लिम लॉ में तो 4 शादी अलाउड है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते ऐसा हैं ऐसा कहीं इंटरवेंशन? नहीं लिखा हुआ कि 4 शादियां करनी ही करनी है, लिखी है 4 शादी कर सकते हो, पर ये तो नहीं है कि हर एक को करनी है 4 शादियां, तो इस वजह से जरूरी नहीं है। तो वाइफ उसे रोक सकती है, अब वो माने ना माने वो उसकी मर्जी है, पर अगर वो एक निकाह नामा के टाइम पे लिखवा ले तो
तो फिर तो वो उसके लिए वॉइड हो जाएगा, मतलब वो कॉन्ट्रावीन कर रहा है, फिर उस चीज पे वो डिवोर्स ले सकती है. थर्ड पॉइंट इज उसे इम्प्रिजनमेंट हुई है फॉर 7 ईयर्स और अपवर्ड्स. फोर्थ, हस्बैंड हैज फेल्ड टू परफॉर्म विदाउट रीजनेबल कॉज हिज मैरिटल ऑब्लिगेशंस फॉर 3 ईयर्स. 3 साल से उसने अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस ही कंप्लीट फुलफिल नहीं किए हैं. जो भी उसकी मैरिटल ड्यूटीज थी वाइफ की प्रति उसने वो परफॉर्म नहीं करी. हस्बैंड इज पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ द मैरिज एंड कंटिन्यूज टू बी सो. शादी के टाइम पे वो इम्पोर्टेंट था. हस्बैंड हैज बीन सीन फॉर अ पीरियड ऑफ इनसेन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स और सफरिंग फ्रॉम लेप्रेसी और वेनेरियल डिजीज. लेप्रेसी तो रिपील ही हो गया है. सो अगर वो इनसेन है या वेनेरियल डिजीज है उसे, तब भी शी कैन फाइल फॉर डिवोर्स. मैम इम्पोर्टेंसी अगर बाद में हुई है तो नहीं डाइवोर्स का ग्राउंड? नहीं नहीं फिर नहीं वो ग्राउंड, शादी के टाइम पे होना चाहिए. सेवेंथ इज दैट शी हैविंग बीन गिवन इन मैरिज बाय फादर और अदर गार्डियन बिफोर शी अटेन्ड द एज ऑफ 16 या 15 इयर्स है. गलत लिखा हुआ यहाँ पर, 15 इयर्स रहना चाहिए था, इट इज नॉट 16, 15 इयर्स. अगर 15 साल से पहले उसकी शादी करा देते हैं ना, तो शी हैज एन ऑप्शन कि वो 15 से 18 के बीच में डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दे. हिंदू लॉ में भी जो है. हाँ 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 वैसे ही है, पर इसमें कॉन्ज्यूमेशन का ऑप्शन है कि कॉन्ज्यूमेशन नहीं होनी चाहिए. उसमें तो था ना कॉन्ज्यूमेशन हो ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें फर्क पड़ता है. अगर कॉन्ज्यूमेशन होगी फिर नहीं कर सकते, अगर कॉन्ज्यूमेशन नहीं हुई सिर्फ तभी डिवोर्स ले सकती है. एथ ग्राउंड कि हस्बैंड ट्रीट्स हर विद क्रुएलिटी, किसी भी तरह की क्रुएलिटी करता है उसके साथ, जैसे कि हैबिचुअली असॉल्ट्स हर, मेक्स हर लाइफ मिजरेबल बाय क्रुएलिटी ऑफ कंडक्ट, इवन इट्स सॉफ्ट कंडक्ट डज नॉट अमाउंट टू फिजिकल इल ट्रीटमेंट. किसी भी तरीके से उसकी क्रुएलिटी कर रहा है, उसकी लाइफ को मिजरेबल बना दिया है. एसोसिएट विद वुमेन ऑफ एविल रिप्यूट ऑफ टू लिव एन इनफेमस लाइफ, किसी भी तरह की मतलब कि प्रोस्टिट्यूट्स के साथ डील करता है, जैसे कि अटेम्प्ट्स टू फोर्स हर to lead an immoral life, उसे force करता कि वो immoral life जिए, disposes of her property or prevents her exercising her legal rights over it, उसकी property को misuse कर देता है, dispose of कर देता है, obstruct her in observance of her religious profession or practice, उसे अपने religious religion की चीजें perform नहीं करने देता, ceremonies को perform नहीं करने देता, if he has more wives than one, does not treat her equitably in accordance with injunctions of the Quran. कि अगर एक से ज्यादा वाइफ है तो उसे इक्विटेबली ट्रीट नहीं करता, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, वो इक्वली ट्रीट नहीं करता, तब भी इट अमाउंट्स टू क्रुएलिटी. देन ऑन एनी अदर ग्राउंड व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड एज वैलिड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट, अगर कोई और ग्राउंड है जिसमें क्रुएलिटी प्रूव कर सकते हो तो उस पर भी डिवोर्स ले सकता है. और ये ग्राउंड कौन से हैं, इसमें ये सारे ग्राउंड ऑलरेडी लिखे हुए हैं, इसमें पूरे नहीं लिखे हुए, पर ये सारे ग्राउंड जो मैंने लिखवाए हैं ना मुस्लिम लॉ के, ये सब चीजें भी इसमें लिखी हुई है कि ये सब ग्राउंड्स है जिसपे हस्बैंड डिवोर्स ले सकता है. ठीक है ठीक है. इसके बाद ये कुछ कंडीशंस है इसके ऊपर कि नो डिक्री पास्ड ऑन ग्राउंड वन शैल टेक इफेक्ट फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिक्री एंड इफ द हस्बैंड अपीयर्स ईदर इन पर्सन और थ्रू एन ऑथराइज्ड एजेंट विद इन दैट पीरियड satisfy the court that he is prepared to perform his conjugal duties, the court shall set aside the said decree. Clause 1 says कि जब वो 4 साल से पता नहीं है कहाँ है, तो इस चीज के लिए अगर वो डिवोर्स लेती है, मतलब फाइल करते हैं कि मेरा पति पता नहीं 4 साल से कहाँ है, तो मैं डिवोर्स की डिक्री लेना चाहती हूँ ताकि मैं दूसरी शादी कर सकूँ, तो कोर्ट उसे 6 महीने तक वेट करने के लिए कहेगा. और इन केस अगर हस्बैंड तब तक वापस आ जाता है और कहते हैं कि मैं अपनी मैरिटल ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए तैयार हूँ, देन डिवोर्स नहीं मिलेगा. तो 6 महीने का वेटिंग पीरियड है. नहीं लेना जरूरी नहीं है, पर ले लोगे तो फायदा ही है, क्योंकि बाद में आके फिर वो क्लेम नहीं कर सकता कि हमारी शादी तो डिसॉल्व ही नहीं हुई थी, आपने वो क्यों कर ली. तो इट इज फॉर द सेफर साइड कि आप लो तो अच्छी बात है, हिंदू लॉ में भी. क्लॉज बी, बिफोर पासिंग अ डिक्री ऑन ग्राउंड 5, द कोर्ट शैल ऑन एप्लीकेशन बाय द हस्बैंड मेक एन ऑर्डर रिक्वायरिंग द हस्बैंड टू सैटिस्फाई द कोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर from the date of such order that he has ceased to be important. अगर impotency का डाला है तो 1 साल का time period है कि वो satisfy कर दे कि वो important नहीं है, तभी decree cancel हो जाएगी. Clause C, if the husband converts to another religion, the marriage is dissolved at the instance. So if husband changes the religion, wife has ground for divorce under section 4 of this act.
अगर हस्बैंड कन्वर्ट कर लेता है तो भी शी कैन फाइल फॉर डिवोर्स। इसके बाद जो सेक्शन है वो हम कल कर लेंगे, ठीक है? बहुत ज्यादा ही हो जाएगा वरना आज, ठीक है मैम, ठीक है? तो ये सब चीजें थी, एक बार इसे रीड कर लेना, कोई कंफ्यूजन हो वो तो बता देना, फिर मैं कल बता दूंगी कुछ और। मैम ये आप फाइल PDF शेयर कर देते हैं। हाँ मैं अभी करती हूँ, ठीक है? ओके ठीक है मैम, ओके थैंक यू। ओके।